नमस्कार, ममता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटो सूप। टमाटो सूप बनाने के लिए हमने 4 टमाटर लिए और इन्हें हमने धो लिया है। कुछ धनिया के पत्ते हैं, कुछ स्प्रिंग ऑनियन है, 5 लहसुन की कली है, 1 हरी मिर्च है और कुछ अदरक का टुकड़ा है। 1 चम्मच बटर लिया है, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा है जिसे हमने हल्का सा पीस लिया है, आधी चम्मच काला नमक है, 1 चम्मच सफ़ेद नमक है, 1 चम्मच चीनी है, 1/4 काली मिर्च है। सबसे पहले हम टमाटर को काट लेंगे, तो इनके हम बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे। सारे टमाटर हमने काट लिए हैं, तो एक पतीले में डाल देंगे। इसमें लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च, अदरक। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल के उबाल देंगे। अब टमाटर में अच्छा सा उबाल आ गया है, इसको हमने 3 से 4 मिनट तक उबाला है। अब गैस हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब टमाटर ठंडे हो गए हैं, तो इसकी हम स्किन निकाल देंगे इस तरह से। अब टमाटर को हम एक बॉल में निकाल देंगे इस तरह। अब इसको हम मिक्सी में पीस देंगे। इस तरह हमने बारीक पीस लिया है, अब इसको हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब इसको हम एक बार और छान देंगे। जो मोटे टमाटर के पीस हैं वो सारे छलनी में रह जाएंगे। इस तरह हमने इसका गूदा अलग कर दिया। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 चम्मच मक्खन डालेंगे। अब इसमें ये सूप डाल देंगे। काली मिर्च डाल देंगे, काला नमक, नमक स्वाद अनुसार काला नमक भी डाला, चीनी, भुना हुआ जीरा। अब इसमें एक उबाल आ जाएगा, तो गैस हम बंद कर देंगे। अब सूप में अच्छा सा बॉयल आ गया है, तो इसमें हम धनिया डाल देंगे, थोड़े स्प्रिंग ऑनियन। अब गैस हम बंद कर देंगे। अब सूप को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर टमाटो सूप बनकर तैयार है। तो इस सर्दी आप भी इसे ज़रूर बनाइए, ये बहुत अच्छा लगता है पीने में। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।